हेलो गाइस, हमारी यात्रा शुरू होती है द्वारका के लिए राजकोट से 19251 सोमनाथ उपा एक्सप्रेस से, जो कि हमें राजकोट से द्वारका की ओर लेके जाने वाली है, जिसको वटवा का WDM3 लोकोमोटिव लगा हुआ है और ये ट्रेन का रिवर्सल होगा यहाँ राजकोट से और लोकोमोटिव अपोजिट साइड पे लगेगा। सो गाइस, सोमनाथ एक्सप्रेस से हम लोग सेकेंड एसी से ट्रैवल कर रहे हैं और ये जर्नी जनवरी 2019 की पुरानी जर्नी है, इसीलिए आप देख सकते हो सेकेंड एसी में कर्टन्स वगैरह है। अभी COVID-19 के सिनेरियो में कर्टन्स वगैरह हटा दिए गए ट्रेन के अंदर के, और रात के 3 बजे, इसीलिए ट्रेन में काफ़ी शांति है, सब लोग सोए हुए हैं और ट्रेन भी काफ़ी खाली थी और मेरे कैबिन में कोई नहीं था, खाली मैं अकेले था। और लगभग सुबह हम लोग 8 बजे तक द्वारका पहुँच जाएंगे। The next day. सो गाइस, आपने पार्ट देखा होगा, आपको आउटर पार्ट अच्छा लगा। अभी प्लान ये है कि द्वारका स्टेशन से श्री कृष्ण जी का मंदिर बहुत नज़दीक है, ऐसा लोगों से पूछा है। सो वहाँ पे जाओगा, ज़रा टी वगैरह लोगा, क्योंकि अभी ट्रेन में खाली ब्रश किया हुआ है, कुछ पिया वगैरह नहीं है, तो टी पी के हम लोग ज़रा इंक्वायरी करेंगे और श्री कृष्ण मंदिर जाएंगे। सो गाइज, नाउ वी आर ऑलमोस्ट रीच द्वारका स्टेशन, क्योंकि अभी सिटी आ गया, आजूबाजू में बिल्डिंग आ गए और बहुत सारे रेलवे की लाइन आ गए, इसके मुताबिक द्वारका स्टेशन आ गया। सो हम लोग अभी बैग वगैरह पैक करके रेडी हो जाएंगे और हम लोग जब उतर के उतरेंगे तभी आपको कैश करता हूँ। द्वारका स्टेशन 20 मिनट ट्रेन लेट हो चुकी है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे जाने के लिए व्हीकल क्या है और निकलेंगे द्वारका श्री कृष्ण मंदिर के। सो गाइस, द्वारका रेलवे स्टेशन से श्री कृष्ण मंदिर के लिए आपको ऑटो मिल जाएगी, डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है और आपको ऑटो के लिए 30-40 रुपीज लगेंगे, मैंने भी उतने ही दिए थे और लगभग 8 से 10 मिनट में हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। और टेंपल एरिया में आपको खाने पीने की अच्छी सुविधाएं मिल जाएगी, गुजरात का ट्रेडिशनल फूड मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे गर्म चाय और खमन ढोकला लिया था ब्रेकफास्ट के लिए, फिर मैं वहाँ से निकल गया दर्शन करने। श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करके हो गया, 1.5 घंटा लगा दर्शन करने के लिए क्योंकि आज क्राउड था। सो अभी दर्शन करने के बाद ये मंदिर है पीछे, ये मंदिर के जस्ट आगे एक समुंदर है, लाइक द्वारका में समुंदर ही है, तो दिस इज द ब्रिज और इसके आजू बाजू पूरा सी है, उधर भी सी है, उधर भी सी है। तो एक्चुअली सीन क्या हुआ, आज दर्शन करने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, रेगुलर इतनी गर्दी नहीं होती, आज इतनी गर्दी थी बिकॉज आज पूर्णिमा थी। सो आप जब दर्शन करने आओगे तो देख के आना, कोई फेस्टिवल ना हो, पूर्णिमा वगैरह ना हो, तो आपको भीड़ नहीं मिलेगा, दर्शन पीसफुली होगा, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड, सो फार सो गुड। क्योंकि आपका एटमोसफियर थोड़ा सा गर्म है, राजकोट थोड़ा ठंडा था, स्वेट हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली समुद्र ह्यूमिडिटी तो रहेगी, बट यहाँ का माहौल बहुत सुहाना है।
यहाँ का सुहाना नज़ारा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना क्लीन बीच यहाँ पे रहेगा, बट इट इज़ रियली वेरी ऑसम। सवारी करके हो गई है, मस्त एक्सपीरियंस था। ये नदी दिख रही है आपको, गोमती नदी, इसका जब लो टाइड होता है तो इधर का पानी पूरा निकल जाता है, उधर से लेके इधर तक लोग चल के आते हैं रोड, मतलब ये पूरा सैंड लैंड हो जाता है पूरा पानी निकलने के बाद। ये आपको बताना भूल गया था, दैट्स व्हाई इन्फॉर्म दिस, दिस इज़ बाय द वे गोमती नदी और वो अरेबियन सी है, तो इसको ये मीट करती है। हाई टाइड के टाइम यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, लो टाइड के पानी इधर का पानी कम होता है।